हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन टीचर्स के लिए तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपने टॉपिक्स को, अपनी नोटबुक्स में लिखे हुए आंसर्स को घंटों बैठकर याद करते रहते हैं। ये चाहे छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हों चाहे बड़ी क्लास के, लेकिन इतनी मगजमारी करने के बाद भी, बहुत देर तक लगे रहने के बाद भी, उनको उनके आंसर्स पूरी तरह से याद नहीं हो पाते हैं। उनके टीचर्स उनको टॉपिक्स क्लास में अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करते हैं। ये बच्चे पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली वो पढ़ना चाहते हैं, तभी वो याद भी कर रहे हैं। उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर भी है कि याद करो, टीचर्स का प्रेशर भी है कि याद करो। मैं ये कहता हूँ कि याद क्यों करो। अक्खड़ भाषा में ऐसे स्टूडेंट्स को रट्टू तोता कहा जाता है। लेकिन ये रट्टू तोते बनते कैसे हैं? डेफिनेटली जाने अनजाने हम और आप मिलकर ही इन्हें रट्टू तोता बना रहे हैं, क्योंकि हम ही इन्हें कहते हैं याद करो। याद करना क्या ज़रूरी है? क्या सभी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है? क्या कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिनमें हम बच्चों को ये कहें कि आप इनको समझ लीजिए और अपने आप आंसर्स बनाकर लिख दीजिए? डेफिनेटली यहाँ पर मैं ऐसे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अगर कोई मैथमेटिक फॉर्मूला याद करना है तो उसको याद ही करना पड़ेगा। क्या सच में सभी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को रटकर आंसर्स लिखने की ज़रूरत होती है? क्या कुछ सब्जेक्ट्स में हम उनको ये नहीं कह सकते कि बेटा आप आंसर को समझ लीजिए और उसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख लीजिए? डेफिनेटली यहाँ पर मैं उन सब्जेक्ट्स की बात ही कर रहा हूँ जिनमें आंसर्स को डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैथमेटिक फार्मूला को आप मत रटिए या केमिकल फार्मूला को मत रटिए, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको याद ही करना पड़ता है। लेकिन आज ज़रा हम उन टॉपिक्स की, उन सब्जेक्ट्स की बात करें जिनमें रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं उनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उनके आंसर्स को समझ लीजिए। जब टीचर्स आपको क्लास में समझा रहे हैं तब आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए और उसे अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखिए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मेन पॉइंट्स को माइंड में रख लीजिए। लेकिन जब ऐसी एडवाइस दी जा रही है तो डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता होगा कि हम ये कैसे करें। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपके पास में आइडियाज़ नहीं हैं, आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस लैंग्वेज में आप अच्छे नहीं हैं। जनरली आंसर्स स्टूडेंट्स को हिंदी या इंग्लिश में लिखने होते हैं, हिंदी में क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, फिर भी आपको अच्छी तरह से आती है। लेकिन अगर आपको आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ज़रा सोचिए, आपको उन आंसर्स को ज़्यादा रटने की ज़रूरत क्यों पड़ती है जो इंग्लिश में है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपका बेस अच्छा नहीं है, आप आंसर्स को समझकर अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वो आपको वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर आपको आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं तो आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपने बेस इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आंसर्स आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाते हैं, आपके पास में आइडियाज़ हैं, आप उनके मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आंसर के मेन पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आने चाहिए, आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में टॉपिक अच्छी तरह से आना बहुत ही जरूरी है। अक्सर देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी कई बार मार खा जाते हैं। वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके पास व्यूज़ नहीं है। व्यूज़ की कमी होने की वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं, या तो फिर वो रट्टा लगाते हैं या फिर वो रट ही नहीं पाते हैं। अब व्यूज़ की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? सपोज़ कीजिए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई एसे या कोई लेटर लिखना है या कोई स्टोरी लिखनी है। अब अगर आपके पास में व्यूज़ नहीं होंगे तो आप वो एसे या लेटर अपनी लैंग्वेज में बनाकर कभी भी लिख ही नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास व्यूज़ भी होने चाहिए। अगर व्यूज़ नहीं होंगे तो भी आपको रटना पड़ेगा। अगर आप हिंदी का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई आंसर लिखना है जो कि 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में है या उससे भी ज़्यादा वर्ड्स में है, तो आप नोट कीजिएगा कि उस आंसर में मेन पॉइंट्स 2, 3 या 4 ही होंगे। बस सिर्फ
आपके लिए वर्ड्स ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आपको उसको डिस्क्राइब करना है। तो वो दो तीन या चार मेन पॉइंट्स हैं, आप हमेशा उन पे फोकस कीजिए, उनको माइंड में रखिए और अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकें। क्योंकि जो आंसर आपको 100, 150 या 200 वर्ड्स में लिखना है, उसको आप चार लाइन्स में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बेशक आपने उसमें मेन पॉइंट्स ही क्यों ना लिख दिए हों। हमारा एजुकेशन सिस्टम आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो भी आपको आंसर्स लिखने के लिए कहे गए हैं वो आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखने में सक्षम हो। इसका मतलब सीधा है कि आपको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये पेरेंट्स की और स्कूल में टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए इंस्पायर करें कि वो रटने पर फोकस कम करें और समझने पर ज़्यादा करें। अगर आप स्टूडेंट्स में शुरू से ही ये आदत डाल देंगे कि वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, तो आने वाले समय में जब वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आएंगे तब भी उनके अंदर यही आदत होगी और उन्हें अपने डेली रूटीन में कुछ भी काम करना होगा, कुछ भी लिखना होगा, तो वो बड़े आराम से लिख पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को लिखना नहीं सिखाया जाता, उनमें व्यूज़ डेवलप नहीं किए जाते, उन स्टूडेंट्स को बाद में जब वो कहीं पर जॉब करते हैं या कोई अपना काम करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऐसे ही स्टूडेंट को जब उनके ऑफिस में कोई रिपोर्ट बनाने के लिए या कोई लेटर बनाने के लिए दिया जाता है तो वो नहीं कर पाते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा उनका कोलीग जो इस काम में माहिर होता है, वो बाजी मार कर ले जाता है। उसे अपने स्टाफ से भी अप्रिशिएशन मिलती है, मैनेजमेंट से भी अप्रिशिएशन मिलती है और प्रमोशन भी मिलता है, तरक्की भी मिलती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो एक अपने काम में एक्सपर्ट है, उसे सब कुछ आता है। तो कुल मिलाकर आज के सेशन का सार यही है कि आप रटने पर फोकस ना करें बल्कि समझने पर फोकस करें, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए, अपने व्यूज़ को इम्प्रूव कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ आपके काम का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।